इंटीग्रेशन 1 − x² sin 2x dx। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। इसे हम आई लेयर से चेक करेंगे। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 1 − x² अलजेब्रिक फंक्शन है और sin 2x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों में पहले अलजेब्रिक फंक्शन है, तो हम 1 − x² को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और sin 2x को हम सेकंड फंक्शन। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin 2x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है 1 − x², फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन है sin 2x dx dx। 1 − x² sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x ओवर 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 − x² का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और x² का डेरिवेटिव 2x, इंटू sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x ओवर 2 dx, माइनस 1 − x² ओवर 2 cos 2x, फिर माइनस इंटीग्रेशन 2 से 2 कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पर आएगा x cos 2x dx, माइनस 1 − x² ओवर 2 cos 2x, फिर माइनस, अब हम x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और cos 2x को हम सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x ओवर 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव 1, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x ओवर 2 dx, माइनस 1 − x² ओवर 2 cos 2x, माइनस x ओवर 2 sin 2x, माइनस और माइनस प्लस 1 ओवर 2, इंटीग्रेशन sin 2x dx, माइनस 1 − x² ओवर 2 cos 2x, माइनस एक्स ओवर 2 sin 2x, प्लस 1 ओवर 2 sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x ओवर 2 + c, माइनस 1 − x² ओवर 2 cos 2x, माइनस एक्स ओवर 2 sin 2x, माइनस प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 2 × 2 = 4 cos 2x + c, इंटीग्रेशन cos 1x dx, इंटीग्रेशन cos 1x एक ही फंक्शन है तो इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमें ये चेक करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। इसे हम आई लेयर से चेक करेंगे। cos 1x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और 1 एलजेब्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एलजेब्रिक फंक्शन दोनों में पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम cos 1x को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और 1 को हम सेकंड फंक्शन। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है वन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन ओवर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस और माइनस प्लस इंटीग्रेशन एक्स ओवर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम पुट करेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी, डेरिवेटिव करेंगे वन का डेरिवेटिव ज़ीरो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स और टी का डेरिवेटिव डी टी ओवर डी एक्स, डी एक्स को इधर लेके आएंगे एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर माइनस टू को जब इधर लेके आएंगे तो वो डिवाइड में आएगा एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी ओवर माइनस टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को हमने पुट किया है टी, एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन ओवर टू इंटीग्रेशन डी टी ओवर टी रूट का मीनिंग वन ओवर टू, एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन ओवर टू इंटीग्रेशन टी रेस टू पावर वन ओवर टू को जब न्यूमिरेटर में लेके आएंगे तो पावर माइनस में आएगी डी टी, एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन ओवर टू टी रेस टू पावर माइनस वन ओवर टू का इंटीग्रेशन टी रेस टू पावर माइनस वन ओवर टू प्लस वन ओवर माइनस वन ओवर टू प्लस वन प्लस सी, एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन ओवर टू टी रेस टू पावर माइनस वन ओवर टू प्लस वन वन ओवर टू ओवर माइनस वन ओवर टू प्लस वन वन ओवर टू प्लस सी, एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन ओवर टू से वन ओवर टू कैंसल टी वन ओवर टू का मीनिंग रूट प्लस सी, एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस रूट टी की वैल्यू वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन लॉग लॉग एक्स ओवर एक्स डी एक्स। इसमें हम पुट करेंगे लॉग एक्स को टी, डेरिवेटिव करेंगे लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स और टी का डेरिवेटिव डी टी ओवर डी एक्स, डी एक्स को इधर लेके आएंगे वन ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, वैल्यूज पुट करेंगे लॉग लॉग एक्स को हमने पुट किया है टी लॉग टी और वन ओवर एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी। अब लॉग टी एक ही फंक्शन है तो इसे हम वन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अब ये दो फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और वन अलजेब्रिक फंक्शन। अब दोनों में हमें ये चेक करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है, इसे हम आईलेट से चेक करेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक ए मीन्स अलजेब्रिक, दोनों में पहले लॉग वाला फंक्शन है तो हम लॉग टी को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और वन को हम सेकेंड फंक्शन। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वन का इंटीग्रेशन टी, फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग टी का डेरिवेटिव वन ओवर टी और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वन का इंटीग्रेशन टी डी टी, टी लॉग टी माइनस टी से टी कैंसल वन डी टी, टी लॉग टी माइनस वन का इंटीग्रेशन टी प्लस सी, टी की जगह पे टी की वैल्यू लॉग एक्स लॉग टी की वैल्यू लॉग एक्स माइनस टी की वैल्यू लॉग एक्स
प्लस सी।